السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. एक नई फसल आकाम रमज़ान में हमारे सामने मौजूद है, वो है मुकल्लफीन के अहकाम। मुकल्लफीन के अहकाम, मुकल्लफ कौन है? मुकल्लफ वो है जिस पर शरीयत का बोझ डाला जाता है, शरीयत को फ़र्ज किया जाता है जिसके ऊपर, जिसकी शरीयत की जिम्मेदारी जिसके ऊपर आयद कर दी जाती है, उसको मुकल्लफ कहा जाता है शरीयत में। मुकल्लफीन के अहकाम में कहते हैं कि इससे पहले कि हम तफसीली दलाइल का मुताला करें, इस बात को इजमाली तौर पर शॉर्ट में जान लेना चाहिए कि रमज़ान के रोज़े हर उस शख्स पर फ़र्ज हैं जिसमें छः चीज़ें जमा हों। छः सिफत अगर होगी तो उस पर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज होगा। पहली चीज़ इस्लाम, क्योंकि रोज़े के हुक्म के असल मुखातब कौन है? मुसलमान है। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ मोमिनो ऐ मुसलमानो तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है। तो आदमी का क्या होना चाहिए? मुसलमान होना चाहिए। पहली शर्त उसकी इस्लाम है। काफिर बराह रास्त रोज़े का मुकल्लफ नहीं है और ना ही उसका रोज़ा सही है। अगर रोज़ा रख भी लेता है तो रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। क्यों? इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकियों से कबूल करता है, अहले ईमान से अहले इस्लाम से अल्लाह कबूल करता है। काफिरों का अमल, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअं मंसूरा, छू मारेंगे निकल जाएगा सब ख़त्म। काफिर का अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। दूसरी शर्त क्या है मुकल्लफ के लिए? बुलूगत, बालिग पर रोज़ा फ़र्ज है, बच्चों पर फ़र्ज नहीं है। यह अलग मसला है कि बच्चों से रखवाया जाएगा, बहस इंशाल्लाह अभी जस्ट आएगी। रोज़ा किस पर फ़र्ज है? बालिग पर। बालिग कब होता है आदमी? मर्द या औरतें उस सूरत में बालिग होते हैं जब उनको मनी का खुरूज होने लगे, चाहे बेदारी की हालत में चाहे जागने की हालत में, या ये कि दोनों की अलामत यह है कि दोनों को जेरे नाफ आ जाए। मर्द की अलामत भी यही, औरतों की भी अलामत है। औरतों के लिए खास अलामत है कि उनको हैज आने लगे, माहवारी आने लगे, ये औरतों की खास अलामत है। और अगर ये सब अलामतें नहीं हैं तो सही कौल के मुताबिक बच्चा या बच्ची अगर 15 साल के हो गए हैं तो वो शरई तौर पर बालिग माने जाएंगे। 15 साल के अगर हो गए हैं तो शरई तौर पर वो बालिग माने जाएंगे। हमें ये हुक्म जानना ज़रूरी है। तो दूसरी शर्त है बुलूगत, बालिग पर रोज़ा फ़र्ज है, बच्चों पर नहीं। ये बालिग एडल्ट जिनको हम कहते हैं, एडल्ट हो जाना, ये एडल्ट हो गए हैं, बालिग हो गए हैं। तीसरी शर्त है अक्ल, मजनून पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। क्यों? बालिग और आकिल दोनों की दलील हमारे सामने मौजूद है अल्लाह के नबी की हदीस से, रुफ़ अल कलम वन सलासतिन, तीन लोगों से कलम उठा लिया गया है, अन नाइमी हत्ता यस्तैकिस, व अनिल सबी हत्ता यहतलिम, व अनिल मजनूनी हत्ता युफीक। सोने वाले से कलम उठा लिया जाता है हालत नींद में, अगर कोई गलती करता है और उसे होश हवास नहीं होता है तो मरफूल कलम रहता है यहाँ तक कि बेदार हो जाए। बच्चे से कलम उठा लिया गया है यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। पागल से कलम उठा लिया गया है यहाँ तक कि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। इसीलिए अक्ल मजनून पर रोज़ा जो है फ़र्ज नहीं है। चौथी शर्त लगाई जाएगी कुदरत, रोज़ा एक बामशक्क़त अमल है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उसहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स को मुकल्लफ नहीं करता है मगर जितनी वो ताकत रखता है, जितनी वो
ताकत रखता है। अल्लाह ताला ने रोजे को भी मशक्कत बना करके नहीं फर्ज किया है। अल्लाह ने जो फरीजा आयत किया है बंदे उसको उठा सकते हैं, जो उठा सकते हैं उन पर फर्ज किया है। अगर कोई मरीज है, उनको तुम मरीज हैं औ अला सफरिन फइद्दतु मिन अय्यामिन उखर, दूसरी के वाले लदीन तुकूनहु फिद्दतुन तआमु मिस्कीन, जो उसकी ताकत नहीं रखते हैं वो एक मिस्कीन का फिदिया अदा करेंगे। तो ताकत और कुदरत ज़रूरी है। रोज़ा उसी पर फ़र्ज है जो रोज़ा की कुदरत रखता हो, लेकिन जो रोज़ा ना रख सकता हो या उसे रोज़े से सख्त मशक्क़त का खौफ हो, जैसे कि मरीज़ है, बहुत बूढ़ा आदमी है, मर्द या औरत, या हामिला व मुर्जिया है, हमल वाली औरत है, दूध पिलाने वाली औरत है, जिसे अपने ऊपर या बच्चे पर रोज़े के सबब ज़रर का अंदेशा हो कि अगर मैं रोज़ा रखूँगी या तो मेरा बच्चा भूखे प्यासे मर जाएगा, या पेट में बच्चा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, या मुझे नुकसान लायक हो जाएगा, तो उन पर भी रोज़ा फ़र्ज नहीं है। उन पर कज़ा या कफ़ारा है, उन पर कज़ा है या क्या है, कफ़ारा है। इसकी तफसील इंशाल्लाह आगे आएगी। पांचवी शर्त है मुकीम होना। मुकीम पर, मुकीम आप अपने घर पर अपने शहर में हों, अगर आप मुसलसल सफ़र पर रहते हैं, लंबे लंबे टूर करते हैं, तो आप पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, लेकिन बाद में कज़ा करेगा। छठी शर्त है मवाने से खुलासी। मवाने यानी रोकने वाली चीज़ों से छुटकारा पा लेना जो रोज़े की फर्जियत को रोक देती हैं। मसलन हैज़ व निफास रोज़े से माने हैं, लिहाजा हैज़ व निफास में मुब्तला औरत, हैज़ कहा जाता है उस खून को जो मंथली औरतों को आता है, और निफास कहा जाता है उस खून को जो औरतों के बच्चा पैदा होने के बाद तकरीबन 40 दिन तक या उसके आसपास आता है। लिहाजा हैज़ व निफास में मुब्तला औरत बाद में रोज़ों की कज़ा करेगी। अब आइए तफसीली तौर पर इन मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास शुरू हो गया है बाब नंबर 23, चैप्टर नंबर 23, बच्चे और रोज़ा। बच्चे और रोज़ा चंद मसाइल हैं, उन मसाइल पर पहले गौर से सुन लें। क्या बच्चों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, पहला सवाल। बच्चों को रोज़ा रखवाना कैसा है, उसके बाद में क्या बच्चों को रोज़े का सवाब मिलता है, बुलूगत की निशानियां क्या हैं, जो बच्चा रमज़ान में दिन के वक्त बालिग हो जाए उसे क्या करना है। ये चंद मसाइल हैं, इंशाल्लाह सरसरी तौर पर इसको हम अभी देखते चलते हैं। क्या बच्चों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं? बच्चों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हैं। क्यों? हमने देखा है शरीयत तौर पर मुकल्लफ होने के लिए उसका बालिग होना ज़रूरी है। इसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसमें आपने फरमाया, हदीस मैंने आपको सुनाई थी, कि तीन लोगों से कलम उठा लिया गया, तीन लोग मरफूल कलम है, यानी उनके आमाल या उनके गुनाह लिखे नहीं जाते हैं। मजनून से जिसकी अक्ल ख़त्म हो चुकी हो, यहाँ तक कि उसका जुनून जाता रहे, सोने वाले से यहाँ तक कि वह बेदार हो जाए, और बच्चे से यहाँ तक कि वह बालिग हो जाए। मुसनद अहमद, अबू दाऊद और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। इस हदीस से मालूम होता है कि बच्चे शरी अहकाम के मुकल्लफ नहीं हैं, लिहाजा उन पर रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज नहीं हैं। इसी हदीस से इस्तदलाल करते हुए डॉक्टर फजल रहमान मदनी हफ़ज़ुल्लाह फरमाते हैं, नाबालिग बच्चों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हैं। वाज़ेह दलील एकदम। और हमने जो मुकल्लफ की शर्तें पढ़ी हैं, छः शर्तें, उसमें बच्चा भी क्या बोलते हैं शामिल है, कि नाबालिग है इसलिए जो है बुलूगत अगर है तब फ़र्ज होगा, नाबालिग है तो रोज़ा फ़र्ज नहीं होगा। अगला मसला है बच्चों को रोज़ा रखवाना। बच्चों को आदत डालने के लिए तरगीब देकर, रगबत दिला करके रोज़ा रखवाना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से नहीं आती है। आप बच्चे को बालिग होने तक छोड़ करके रखें, नहीं नहीं अभी तुम्हारे पर रोज़ा फ़र्ज नहीं बेटा, मत रहो रोज़ा, जब बालिग हो जाए फौरन के पूरा 30 दिन करो तो रोज़ा तुमको रहना है,
एक मशक्क़त वाला काम होगा जिसका वो आदी नहीं था। बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको रोज़ा रखने की तरगीब देनी चाहिए, उनसे रोज़ा रखवाना चाहिए, मश्क कराते रहना चाहिए, ताकि बालिग होने से पहले पहले इस बात के आदी हो जाएं कि रमज़ान का रोज़ा उनके ऊपर भारी ना पड़े, उनको मशक्क़त ना लगे, उनको मालूम रहे कि रमज़ान का रोज़ा एक फ़र्ज़ रोज़ा है और किसी मुसलमान को के लिए जायज़ नहीं है कि उसे छोड़े, ख़ास तौर पर बालिग के लिए उसको एहसास रहे। बच्चों को आदत डालने के लिए तरगीब देकर रोज़े रखवाना एक अच्छी चीज़ है। इसीलिए डॉक्टर फजल रहमान मदनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अलबत्ता जब वो 7 साल के हो जाएं और रोज़ा रखने की उनमें कुदरत और ताकत हो, तो जैसे उन्हें नमाज का हुक्म दिया जाता है, इसी तरह रोज़े की भी तरगीब देनी चाहिए और रोज़ा रखवाना चाहिए, ताकि वो अभी उससे मानूस हो जाएं और उसके आदी हो जाएं। बच्चों को आदत डालने के लिए रोज़ा रखवाना सलफ से साबित है। मिसाल के तौर पर एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास माह रमज़ान में शराब के नशे में मस्त एक शख्स को लाया गया। रमज़ान का महीना है, दिन में शराब में धुत है, उस आदमी को पकड़ कर लाया गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। उन्होंने इससे कहा, तेरा सत्यानाश हो, तेरा बुरा हो, हमारे बच्चे भी रोज़े से हैं और तू दिन में शराब पी रहा है। फिर उन्होंने उसे शराब पीने पर सज़ा भी दी। सही बुखारी की रिवायत है। इससे मालूम होता है कि खुलफाए राशिदीन के दौर में भी बच्चे रोज़ा रखते थे। तो मैंने क्या कहा, तेरा सत्यानाश हो, दिन में तू शराब पी रहा है, रोज़े की हालत में पूरी उम्मत रोज़े से है और हमारे बच्चे भी रोज़े से हैं जो नाबालिग हैं। फिर सज़ा भी दी उसको। इससे मालूम होता है खुलफाए राशिदीन के दौर के बच्चे रोज़ा रखा करते थे, बल्कि सहाबा दौरे नबवी में भी अपने बच्चों को रोज़ा रखवाते थे। दलील क्या है? रुबैये बिनते मुअव्विज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा की सुबह अंसार के मोहल्लों में फरमान भेजा कि जो शख्स आज रोज़ा नहीं था वो बकिया दिन रोज़ा रहे, और जो आज रोज़ा था वो अपना रोज़ा पूरा करे। फरमाती हैं, बस उसके बाद हम आशूरा का रोज़ा रखते और अपने बच्चों से भी रखवाते, उनके लिए ऊन के खिलौने बनाते, और अगर कोई बच्चा रोता था तो उसे वो खिलौना थमा देते, यहाँ तक कि इफ्तार का वक्त हो जाता। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सहाबा अपने बच्चों को तरगीब देने के लिए आशूरा का रोज़ा, जो शुरू में फ़र्ज़ था बाद में नफल हो गया, उसको भी रखवाया करते थे। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जब वो बच्चे हमसे खाना मांगते तो हम उन्हें वो खिलौने थमा देते ताकि वो खेल में मशगूल हो जाएं, यहाँ तक कि उनका रोज़ा मुकम्मल हो जाया करता था। बीच में नहीं तोड़ते थे रोज़ा, रोज़ा मुकम्मल हो जाया करता था। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस में इस बात की दलील है कि बच्चों को रोज़ों की मशक कराना चाहिए, जैसा कि गुजर चुका है। इसलिए जिस उम्र के बच्चों का इस हदीस में जिक्र है वो बच्चे गैर मुकल्लफ होते हैं, शरी तौर पर मुकल्लफ नहीं है, लिहाजा ये रोज़ा उन्हें मश्क कराने के तौर पर ही रखवाया जाता था। ये बात वाज़े और क्लियर है। जैसे नमाज की मश्क होती है वैसे रोज़ों की भी मश्क करानी चाहिए, क्योंकि दोनों फरीज़े इस्लाम हैं, दोनों इस्लाम के अहम रुकन हैं। इसीलिए अपनी टीम को, आने वाली नस्ल को, आने वाले मुस्तकबिल को इसी ढर्रे पर, उसी तरीक़े पर उनको गामजन करने के लिए उनकी ट्रेनिंग, उनकी तदरीब इंतहाई ज़रूरी है। सवाल ये है, बच्चे रोज़ा रखते हैं सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या बच्चों को रोज़े का सवाब मिलता है? यहाँ एक इश्काल ये भी पैदा होता है, जब बच्चे से कलम उठा लिया गया है तो क्या उसे रोज़ा रखने पर सवाब मिलेगा? यहाँ अहले इल्म ने यह बात कही है कि हदीस में कलम उठाए जाने से मुराद शरई तकालीफ और गुनाहों का कलम है, शरई तौर पर मुकल्लफ नहीं है, या गुनाह अगर कोई हो जाता है तो वो उसका लिखा नहीं जाएगा। इसलिए बच्चा अगर कोई नेकी करे तो उसे सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन चूंकि अभी उस पर शरई अहकाम फ़र्ज़ नहीं हुए हैं, लिहाजा उसके अमल पर उसे नफल अमल का सवाब मिलेगा। बच्चे की इबादत सही होने की दलील सही मुस्लिम की हदीस है।
कि बच्चे की इबादत भी सही होती है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक औरत ने अपना बच्चा ऊपर उठाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल क्या इसके लिए भी हज है? और एक औरत हजतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने आई थी, उसने अपने ऊँटने के पालान में से बच्चे को निकाला, उठाया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम पनाह रखा था उसको, उसको भी हज करा रही थी वो छोटे बच्चे को, कहा अल्लाह के रसूल इसका भी हज है? आपने फरमाया हाँ इसका भी हज है और तुम्हारे लिए भी इसका अजर है, वला की अजरुन, तुम्हारे लिए भी इसका अजर व सवाब मिलेगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। इससे मालूम होता है बच्चा अगर नमाज पढ़ता है तो नमाज का सवाब भी उसको मिलेगा, फर्ज नहीं है तो नफल का सवाब मिलेगा, और उसके वालदेन को भी उसका सवाब मिलेगा जो उसको पाबंद बना रहे हैं और उसके लिए मशक्क़त कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस से बाद अहले इल्म ने दलील लिए कि बच्चों को उसकी नेकियों पर सवाब भी मिलता है और उसकी नेकियाँ लिखी जाती हैं। अक्सर अहले इल्म का यही कौल है। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नाबालिग बच्चे के आमाल यानी उनके नेक आमाल का सवाब खुद उसे मिलता है, ना कि उसके वालिद को और ना ही किसी और को, लेकिन उसके वालिद को उस बच्चे की नेकी की तालीम देने, खैर की रहनुमाई करने और उस पर उसकी मदद करने का अज्र जरूर मिलता है। वाला कि अज्र, अल्लाह ने कहा कि अज्र सवाब किसको मिलेगा? वालदेन को मिलेगा। किसका? तदरीब का, ट्रेनिंग का, और क्या बोलते हैं, अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ जो है उसको ले जाने का सवाब उसको मिलेगा। शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बच्चे का रोज़ा जैसा कि हम पहले बता चुके हैं वाजिब नहीं है बल्कि वो सुन्नत है। अगर वो रोज़ा रखे तो उसके लिए उसका अजर है, अगर ना रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन बच्चे के सरपरस्त को चाहिए, बच्चे के पेरेंट्स को चाहिए कि वो उस बच्चे को रोज़े का हुक्म दें ताकि उसे रोज़े की आदत हो, ताकि उसे रोज़े की आदत हो। अब हमारे सामने एक छोटा सा मसला है बुलूगत की अलामत किया, मैंने जिक्र कर दिया है लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। बच्चा अगर बालिग हो जाए तो उस पर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हो जाता है, लेकिन बच्चे के बालिग होने की अलामत क्या हैं, निशानियाँ क्या हैं? शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शरी अमाल का मुकल्लफ होना, 15 साल की उम्र मुकम्मल होने, सोते या जागते में शहवत से मनी खारिज होने, मुँह ज़ेर नाफ शर्मगाह के आसपास बाल के जाहिर होने से साबित होता है। बच्चियों के लिए चौथी अलामत भी, तीनों अलामत में बच्चियां शामिल हैं, बच्चियों के लिए चौथी अलामत भी है और वो हैज़ है। अगर हैज़ आने लगा तो बच्चियां बालिग मानी जाएंगी। बात गुजर चुकी है। आखिरी मसला है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 23 का, जो बच्चा रमज़ान में दिन के वक्त बालिग हो जाए, जो बच्चा रमज़ान के दिन में बालिग हो जाए। यहाँ एक सवाल ये भी है कि अगर एक नाबालिग बच्चा रमज़ान में दिन के वक्त बालिग हो जाए तो क्या करे? शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर एक बच्चा रमज़ान में दिन के किसी हिस्से में बालिग हो जाए तो हम उसे उससे कहेंगे तुम्हारे लिए दिन के बकिया हिस्से में खाने पीने से रुके रहना लाजिम है, यानी बकिया दिन का रोज़ा ज़रूरी है और तुम्हारे ऊपर कोई कज़ा नहीं है, यानी इसका ये रोज़ा सही और मुकम्मल है क्योंकि बालिग अब हुआ है, उसको अब पता चला है, तो ऐसी सूरत में जो है उसको कज़ा करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो दिन बाकी है उस दिन वो खाने पीने से रुक जाएगा। हदीस आशूरा से इस्तलाल करते हुए शेख अलबारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस से ये साबित होता है कि जिस शख्स पर दिन के वक्त, दिन के किसी वक्त में रोज़ा फ़र्ज हो जाए, मसलन मजनून को इफाका हो जाए, या बच्चे को एहतलाम हो जाए यानी बालिग हो जाए, या काफिर मुसलमान हो जाए, और जैसे वो शख्स जिस दिन यह खबर पहुँचे कि हिलाल कल ही देखा जा चुका है, तो उन तमाम लोगों के लिए दिन के उस हिस्से में नियत कर लेना काफ़ी है जिसमें उस पर रोज़ा वाजिब हुआ है, चाहे उन्होंने ये नियत खाने पीने की बाद ही क्यों हो, क्यों ना क्यों हो। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे ही क्या बोलते हैं, एक बच्चा अगर दिन में बालिग हो जाता है तो बेहतर यह है कि अब वो शरीर तौर पर मुकल्लफ हो गया है, अगर
दोपहर के बाद बालिग हुआ तो दोपहर के बाद से इफ्तार तक वो रुका रहेगा इस नियत के साथ कि मैं रोज़ा हूँ, क्योंकि शरीयत तौर पर मुकल्लफ अब हुआ है ना। और ये नौबत उमूमन आती नहीं है कि बालिग होने के बाद लोग रोज़े का पाबंद हों, उमूमन हमारे बच्चों की मशक कराई जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल हर जगह जहाँ पर इस्लामी माहौल है वहाँ पर इस माहौल को जो है पनपाया जाता है और इसको इस पर लोगों की मशक कराई जाती है। तो ये चंद मसाइल थे जो हमने अभी देखे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इल्म नाफ़िया अता फरमाए और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वाला आलिही वसाबी वसल्लम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।